हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनिता कैश किचन में। तो आज हम बनेंगे गर्मियों की सब्जी से मिक्स वेज। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं, देखने से देख के तो आपके मुंह में पानी आ ही रहा होगा। देख सकते हैं कितना बढ़िया देखने में लग रहा है, खाने में उतना ही स्वादिष्ट बना है। इसे बनाने में कोई झंझट नहीं है, बिना हम फ्राई किए ही इसको बना के तैयार करेंगे। एकदम होटल जैसे स्वाद आपको इस सब्जी में, इस मिक्स वेज में मिलेगा। हम थोड़ा सा मसालेदार देख सकते हैं बनाए हैं, चलिए शुरू कर लेते हैं। अब हम लेंगे कढ़ाई में तेल, 1 चम्मच के करीब तेल लिए हैं। तेल गर्म हो जाए इसमें डाल देंगे लहसुन। तो हमने एक ढेक लहसुन का छील के ले लिया है, यानी कि 8-10 कलियाँ लहसुन डाल दिए हैं। साथ ही हम डाल देंगे प्याज, तो हमने 2 प्याज यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपको ज़्यादा मसालेदार नहीं पसंद है तो आप प्याज कम, 1 प्याज आप इस जगह पर यूज़ कर लीजिए। हम तो 2 प्याज यूज़ किए हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर, हमने 2 टमाटर लिए हैं। आप इसकी जगह पे एक ही टमाटर यूज करिएगा। थोड़ी सी 4-5 बादाम है, 2 काजू है, तो हम वो भी डालेंगे। इसके फ्लेवर बहुत ही अच्छा आते हैं, इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आते हैं। हमें 1/2 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। अब ढक देंगे हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए, चेक कर लेते हैं। और इसको थोड़ा सा पकाना है तो फिर से हम मीडियम हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए ढक देंगे। फिर से हम चेक कर लेंगे, देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट हो गया, काफ़ी गल गया है। अब हम गैस को बंद कर लेंगे। थोड़ी सी अदरक डाल देंगे, तो हम कच्चा फ्लेवर हमें बहुत पसंद है, इसलिए हम आपको उस जैसे आप लहसुन डाले थे उस टाइम पे आप अदरक डाल लीजिएगा, अगर कच्चा फ्लेवर नहीं पसंद है। हम ले लिए हैं लोबिया, गाजर, प्याज, आधी कटी हुई आम लिए हैं, 1 आलू लिए हैं, टिंडा लिए हैं, शिमला मिर्च लिए हैं। तो अब मैं आम यूज कर रही हूँ थोड़ी सी आधी खट्टापन के लिए। तो हम बीन्स को, लोबिया को पहले कट कर लेंगे, फिर गाजर को हम कट कर लेंगे। सारी सब्जी को हम इसी तरीके से कट कर लेना है जैसे मिक्स वेज में आप देखते हो, बनाते हो, खाते हो, कोई सा भी सब्जी हो सबको अपने हिसाब से कट कर लीजिए। मिक्स वेज में कैसे भी कट चलता है, हमने सारी चीज़ को कट कर ले लेंगे। अब हम बीन्स को कट कर ले रहे हैं। अब हम ले लिए टिंडा, तो टिंडा को भी हम कट कर लेंगे। टिंडा का सब्जी में बहुत ही पसंद है, टिंडा तो जरूर जरूर डालिएगा अगर आपके पास हो तो, नहीं हो तो स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ले लिए हैं 1/2 आम, हम आम को भी कट कर लिए हैं। 2 प्याज हमने इस जगह पे लिए हैं, दोनों प्याज को हम 4 भाग करके साइड वाला पार्ट को अलग अलग कर लिए हमने। यहाँ पे हम 2 शिमला मिर्च लिए थे, ये खेत का है इसलिए आपको लग रहा है थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट है, तो हमने 2 शिमला मिर्च को कट कर लिए जैसे प्याज को कट किए हैं। तो सारे को हम इसमें डाल लेंगे। तो आम प्लीज़ ज़्यादा यूज मत कीजिएगा, थोड़ा समय खट्टापन चाहिए इसलिए मैं आम यूज किया। इसमें डाल लेंगे स्वाद अनुसार नमक, तो नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही लीजिएगा। थोड़ा सा नमक हमने मसाले में भी डाले थे प्याज टमाटर में। 1.5 चम्मच हमने हल्दी पाउडर यूज कर रहे हैं, 2 चम्मच हम धनिया पाउडर यूज करेंगे। एक चम्मच और 1 चुटकी लाल मिर्च पाउडर यूज कर लेंगे हम। 1 चम्मच गरम मसाला, मसाला अपने हिसाब से डालिएगा, आपको जैसे ज़्यादा पसंद हो या कम पसंद। तो हम इसमें डाल रहे हैं चाट मसाला, हमारे पास आमचूर पाउडर नहीं था इसलिए हमने 1/2 कटी हुई आम डाल लिए हैं। अगर आपके पास आमचूर पाउडर हो तो प्लीज़ आम मत डालिएगा, आमचूर पाउडर 1 या 1.5 चम्मच यूज कर लीजिएगा, उससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आते हैं, थोड़ा सा खट्टा पना जाते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, तो जो मसाला जैसे चिपक नहीं रहा है तो थोड़ा पानी डाल लेंगे तो सारे मसाले एक दूसरे के ऊपर चिपक जाएंगे सब्जियां के ऊपर। इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम ढक के रख देंगे। अब लेंगे कढ़ाई में 2 चम्मच तेल, तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले,
आपके पास जो भी खड़े मसाले वो डाल लीजिएगा। इसमें डाल देंगे जीरा, तो हमने आधे छोटे चम्मच जीरा ले लिए हैं, अच्छे से पक जाए। इसमें हम थोड़ी सी हींग डाल लेंगे खुशबू के लिए। अब इसमें डालेंगे सब्जी का हमने मिक्स बना के रखे थे, वो डाल लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, एक मिनट के लिए हाई फ्लेम पे ही अभी रखना है। तो अब इसको हम ढक देंगे एक मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। अब इसको फिर से मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। आप चाहे तो बिना पेस्ट का, जैसे हम टमाटर प्याज का पेस्ट बनाए हैं, उसके बिना आप इस तरीके से बना के इंजॉय कर सकते हो। फिर से हम 2 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे ढके थे। फिर से चेक करने के बाद हम उसमें डाल देंगे प्याज टमाटर पीसी हुई जो हमने पेस्ट पहले बना के रखे थे। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। हमें थोड़ी सी मसालेदार, मैं कई बार बोल चुकी हूँ सॉरी, थोड़ी सी मसालेदार पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा मसाला डाले हैं ग्रेवीदार। तब इसको मिक्स करने के बाद मीडियम हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए ढक देंगे, ताकि ये मसाला जो हमने डाले थे ना वो अच्छे से पक जाए। मसाला तो पहले से पकी हुई है, लेकिन थोड़ा सा सब्जियों के साथ पक जाए। फिर से हम चेक कर लेते हैं। अब इसमें हम डाल लेंगे पनीर मसाला 1 चम्मच। तो आप इसमें पनीर भी यूज कर सकते हैं, हमारे पास नहीं थे तो हम हरा फ्रेश धनिया बारीक कटी हुई, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस को बंद कर देंगे। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए गर्मा गर्म मिक्स वेज हमारा बनके तैयार हो गया। आप भी इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो सब्सक्राइब कर रखे हो उसको दिल से थैंक यू, जो नहीं कर रखे हो प्लीज़ सपोर्ट मी। तुम्हारी वीडियो देखने के लिए सबको थैंक यू, दिल से थैंक यू।